हाय फ्रेंड्स, अद्वैत ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मयोग या सेल्फ मेडिटेशन या ध्यान योग। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप आत्मा में ध्यान लगा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा यानी एक ही है दोनों, तो एक ही कर सकते हैं दोनों को, या आत्मा प्राप्त कर सकते हैं या ध्यान योग लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, आप ये सबसे पहले ये रियलाइज करें कि आप आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, और आप ये रियलाइज करें कि आत्मा परमात्मा एक ही है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बहुत बार दिया है, वही देता हूं कि जैसे जो घड़ा है लोटे के अंदर, लोटा है जो घड़ा यानी लोटा है, लोटे के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही है। दोस्तों, इससे हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। तो हम ये करेंगे कि मैं आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, इसके भीतर और बाहर एक ही आत्मा है और उसी को परमात्मा या आत्मा नाम दिया है। सब कुछ एक आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं, मैं एक ही हूं, एक ही था, एक ही रहूंगा। मैं हमेशा से एक था, एक ही हूं, एक ही रहूंगा। मैं परमात्मा ही हूं, कोई भेद नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं एक हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। मैं एक हूं, सब आत्मा एक ही है, मैं वही हूं, मैं एक हूं। ईश्वर, परमात्मा, आत्मा भिन्न नहीं है, सब एक ही है। मैं एक हूं, मैं सब जगह हूं, मैं सब में हूं, कण कण में विद्यमान हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं। मुझसे ही सारा संसार है, मुझ में ही सारा संसार है, सब कुछ मैं ही हूं, मैं आत्मा। मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप, मैं आत्मा हूं। आपकी आत्मा भी मैं ही हूं, मेरी आत्मा भी मैं ही हूं, सबकी आत्मा भी मैं ही हूं, मैं एक हूं, मैं आत्मा। आत्मा से ही शरीर इत्यादि, संसार, ब्रह्मांड इत्यादि बने हैं। आत्मा में ही सारा ब्रह्मांड, सारा शरीर है, किंतु शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, जैसे आकाश और वायु। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझ में स्थित है, किंतु मैं शरीर नहीं हूं, जैसे वायु आकाश में स्थित है किंतु वायु आकाश नहीं है, उसी प्रकार मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर से परे हूं। मैं न सुख हूं न दुख हूं, मैं न अच्छा हूं न बुरा हूं, मैं न पाप हूं न पुण्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सत्य हूं, मैं एक हूं, मैं आत्मा हूं। मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ एक ही है, मैं आत्मा हूं। सारी शक्तियां मैं ही हूं, मुझसे ही है सारी शक्तियां, आत्मा की शक्ति ही सर्वशक्तिशाली है, आत्मा की शक्ति से ही सारा संसार चलता है, मुझसे ही सारा संसार चलता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मुझसे कोई नहीं,
मेरे स्वभाव रूपी प्रकाश से ही सारा संसार प्रकाशित होता है। मेरी शक्ति रूपी प्रकाश से ही सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर और न जाने कितने शरीर मैं ही चलाता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरे आत्मा बल से ही सबको शक्ति मिलती है, सबका पोषण होता है, सबको शक्ति मिलती है। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप। मैं आत्मा हूँ। इस तरह दोस्तों निर्विचार हो जाइए और आत्मा में रमन कीजिए, आत्मा में आनंद उठाइए, आत्मा में संतुष्ट रहिए कि आपको सब चीजें प्राप्त ही है, क्योंकि आप आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त ही है। कोई भी चीज संसार में नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। हर चीज प्राप्त है। ईश्वर परमात्मा मैं ही हूँ। सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ। कण कण मैं ही हूँ। कण कण मेरा ही है। किंतु मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शरीर नहीं। ओके दोस्तों, आज के मेडिटेशन में इतना ही। बाय दोस्तों। आप ये मेडिटेशन रोज कीजिए और अपने आप को धन्य धन्य कीजिए। बाय दोस्तों।